नमस्कार दोस्तों, आपने चोर और अपराधियों को भागते हुए कई बार देखा होगा और कई बार सुना भी होगा। आपने कई आरोपियों को कई बार छिपते हुए भी देखा होगा, लेकिन आपने कभी पुलिस को भागते हुए नहीं देखा होगा। आपने कभी दरोगा, इंस्पेक्टर और डीएसपी को भी भागते हुए नहीं देखा होगा। आज के इस वीडियो में आप यही सब कुछ देख पाएंगे कि सुशासन की पुलिस किस तरीके से अत्याचार करती है आम लोगों पर, कैसे न्यायालय के आदेश की अवहेलना करती है और फिर चोर और अपराधी की भांति कैसे भागती है। यही सब कुछ इस वीडियो में आप देख पाएंगे। इसलिए पहले मामले को जान लीजिए कि आखिर पुलिस को चोर और अपराधी की माफी क्यों भागना पड़ रहा है। दरअसल किशनगंज जिले के किशनगंज सदर थाने के एक मामले में अनुसंधान के दौरान पूर्णिया व्यवहार न्यायालय में वकालत करने वाले वकील मोहम्मद सैदुल हक के घर पर 17 जुलाई 2021 को किशनगंज और पूर्णिया की पुलिस छापा मारती है, जिसमें वकील सैदुल हक के साथ साथ उनके नाबालिग बेटी और बेटे के साथ भी मारपीट करती है। उनके घर के सभी सामानों को भी तोड़ देती है और फिर वकील और उनके नाबालिग बेटी और बेटे को गिरफ्तार कर घसीटते हुए थाने ले जाती है और फिर अगले ही दिन उन तीनों को न्यायालय में समर्पित करती है। लेकिन न्यायालय ने उसी वक्त पुलिस को फटकार लगाते हुए उन तीनों लोगों को छोड़ देने का आदेश देती है। उस घटना से आहत वकील सैदुल हक ने पूर्णिया अधिवक्ता संघ के सामने सारी बातें बताई। उसके बाद अधिवक्ताओं ने एक बैठक की और फिर इस पूरे घटना की शिकायत पूर्णिया के एसपी से की, लेकिन तत्कालीन पुलिस कप्तान दयाशंकर ने संज्ञान नहीं लिया। फिर वकीलों का साथ देने 31 जुलाई 2021 को बार काउंसिल ऑफ बिहार के पदाधिकारी पूर्णिया पहुंचे। उन्होंने भी पूर्णिया पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया, फिर भी एसपी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तब जाकर पीड़ित वकील मोहम्मद सैदुल हक ने 11 अगस्त 2021 को न्यायालय का रुख किया और देखिए पूर्णिया व्यवहार न्यायालय ने 7 मई 2022 को मामले पर संज्ञान ले लिया और 6 फरवरी 2023 को 8 पुलिसकर्मी के विरुद्ध न्यायालय ने जमानती वारंट जारी कर दिया। 8 पुलिसकर्मी का नाम और पद आप पढ़ सकते हैं, मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला मिथिलेश कुमार, थाना अध्यक्ष मणंगा पूर्णिया। दूसरा सुबोध चौधरी, अवर निरीक्षक सहायक थाना। पुष्पलता कुमारी, थाना अध्यक्ष किशनगंज। गुलाम सरवर, अवर निरीक्षक सहायक थाना। आनंद कुमार गुप्ता, डीएसपी। प्रेम शंकर सिंह, अवर निरीक्षक सहायक थाना। अब्दुल मन्नान, अवर निरीक्षक सहायक थाना। संजय कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष सहायक थाना। इन 8 पुलिसकर्मी के विरुद्ध सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को 8 दरोगा, इंस्पेक्टर और डीएसपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। लेकिन देखिए कि 29 मार्च 2023 को न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया जाता है, 31 मार्च को एसपी कार्यालय द्वारा एनबीडब्ल्यू का आदेश यानी गैर जमानती वारंट के आदेश की प्रति रिसीव की जाती है। बावजूद पूर्णिया में पदस्थापित 2 दरोगा को पूर्णिया के पुलिस कप्तान आमिर जावेद द्वारा 2 अप्रैल को छुट्टी दे दी जाती है। तो सवाल उठता है कि क्या पूर्णिया एसपी के सामने न्यायालय के आदेश की कोई अहमियत नहीं है? क्या यह न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं है? न्यायालय में पैरवी कर रहे वकील गौतम वर्मा और अधिवक्ता राजीव शरण इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा उन्हें भी सुन लीजिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गैर जमानती वारंट जारी किस तिथि को हुआ था? 29/3/2023 को आपको उन लोगों पर नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ। उसके बाद ये लोग अभी तक ना गिरफ्तार हुए हैं, ना माननीय न्यायालय में आके सरेंडर किए हैं और ना बेल कराए। तो ये तो माननीय जो न्यायालय का आदेश है उसका भी उल्लंघन हो रहा है और ये पूरा दायित्व जो है पुलिस का है कि नॉन अवेलेबल वारंट इशू होने के बाद जब आम आदमी को पुलिस उठा करके अंदर कर देती है तो किस परिस्थिति में अभी तक इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं किया, ये तो वो लोग बताएंगे। अब वकील साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो 7-8 अभियुक्त हैं पुलिसकर्मी,
इस पर कब वारंट जारी हुआ था? इनके ऊपर वारंट जारी जून महीने में ही हुई। उसके बाद इन लोगों ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका विद्वान प्रथम अपर न्यायाधीश के न्यायालय में दायर किया, जहां से उनकी अग्रिम जमानत की याचिका नामंजूर हुई और उसके बावजूद ये पुलिसकर्मी जिम्मेवारी का पद होल्ड कर रहे थे, परंतु जब इनकी अग्रिम जमानत की याचिका नामंजूर हुई उसके बाद से इन लोगों ने अपने जिम्मेवारी का पद को छोड़ा। लेकिन अद्यतन उस वारंट का तामिला पुलिस की ओर से नहीं किया गया है और वे लोग अभी भी वारंट के बावजूद और बिना किसी जमानत के न्यायिक अभिरक्षा से बाहर हैं। अच्छा, अमूमन यह देखा जाता है कि यदि न्यायालय के द्वारा कोई वारंट जारी होता है तो नेक्स्ट डे उस अभियुक्त के घर पर पुलिस की जीप लगी रहती है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन अब तक ये पुलिसकर्मी सभी बाहर हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया, जिन पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया, ये सभी अभी फरार चल रहे हैं। जमानत के लिए आए लेकिन फरार चल रहे हैं। न्यायालय से जमानत मिला उससे उनमें से किसी एक को? अभी तक किसी को भी जमानत नहीं मिला है और वो न्यायालय से बाहर हैं, स्वतंत्र हैं। हालांकि न्याय की दृष्टि से किसी भी साधारण नागरिक और पुलिस में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से न्याय की प्रक्रिया जारी होती है किसी भी साधारण नागरिक पर, वही प्रक्रिया पुलिस के लिए भी निश्चित है, परंतु पुलिस विभाग उसका तामिला नहीं कर रहा है। अब सवाल उठता है कि न्यायालय के आदेशों परंत पूर्णिया एसपी आमिर जावेद को जहां मणंगा थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार और सहायक थाना में कार्यरत इंस्पेक्टर अब्दुल मन्नान को गिरफ्तार कर न्यायालय में समर्पित करना चाहिए था, तो वहीं उन पुलिसकर्मी को जिन्हें न्यायालय ने अभियुक्त बनाया उन्हें छुट्टी दे दी। आखिर क्यों? जबकि यही वारंट यदि पुलिसकर्मी के बदले किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ जारी हुआ होता, किसी आम लोगों के विरुद्ध जारी हुआ होता, तो यही पुलिस उस अभियुक्त के घर पर सवेरे सवेरे अपनी जीप खड़ी कर देती, उसकी गिरफ्तारी के लिए हर दिन छापे मारती, उनके घर की कुर्की तक कर लेती। लेकिन जब पुलिस पर वारंट जारी हुआ तो उसकी गिरफ्तारी के बजाय उन्हें छुट्टी दे दी गई। आपकी जानकारी के लिए यहां बता दूं कि न्यायालय ने जिन 8 पुलिसकर्मी पर गैर जमानती वारंट जारी किया है उनमें से 6 पुलिसकर्मी का तबादला हो चुका है, यानी 6 पुलिसकर्मी मौजूदा वक्त में पूर्णिया के अलावा दूसरे जिले में कार्यरत हैं। महज 2 पुलिसकर्मी, पहला मिथिलेश कुमार जो मणंगा थाना में पदस्थापित है और दूसरा अब्दुल मन्नान जो सहायक थाने में कार्यरत है, जिन्हें पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक आमिर जावेद ने छुट्टी दे दी। हालांकि मौजूदा वक्त में सभी पुलिसकर्मी छुट्टी पर हैं, यूं कहें तो सभी पुलिसकर्मी फरार हैं, क्योंकि उन 8 पुलिसकर्मी में से 5 पुलिसकर्मी ने न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी भी दी थी, लेकिन न्यायालय ने सभी की अर्जी को खारिज कर दिया, यानी किसी पुलिसकर्मी को न्यायालय ने राहत नहीं दी, किसी को जमानत नहीं दी। फिर भी अब तक किसी अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया है। अब भी सभी अभियुक्त फरार चल रहा है, जो माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी है, जबकि एक जिम्मेवार पुलिस कप्तान का यह कर्तव्य बनता है कि ऐसे मामले में सबसे पहले उन पुलिसकर्मियों को निलंबित करते, फिर गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते। लेकिन पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि न्यायालय ने जिसे गिरफ्तार करने का आदेश सुनाया उसे एसपी ने लंबी छुट्टी दे दी। अब देखना है कि इन पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी कब होती है, कब ये सभी पुलिसकर्मी सरेंडर करते हैं, या फिर सभी पुलिसकर्मी चोर और अपराधी की तरह भागते फिरते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल द न्यूज 19 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। यदि रिपोर्ट अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर लीजिए। अब मैं मुकेश सिंह आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।